बाइबल के एक दूसरे के विरोधी वचन सीरीज में ये 23वां वीडियो है। बाइबल के कई वचन एक दूसरे के विरोध में दिखाई देते हैं, ऐसा है नहीं। और जितने लोग जो बाइबल के एक वचन के विरोध में दूसरा वचन दिखाते हैं वो मूर्खता करते हैं, क्योंकि बाइबल के सभी वचन वो सच्चे हैं। कहीं पर भी परमेश्वर ने कोई भी गलती जो है वो नहीं की। इस वीडियो को पूरा देखना, और बाइबल के ज्ञान में आप बढ़ना चाहते हो, बाइबल के भेद जानना चाहते हो और मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करो, ताकि मैं जब भी नया वीडियो बना कर रखूँ तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना, और अगर वीडियो पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना, पर वीडियो जो है वो पूरा देखना। और आज का जो वचन है वो ये है उत्पत्ति, उसका 7वां अध्याय और उसका दूसरा वचन, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू साथ साथ अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से दो तो लेना अर्थात नर और मादा। जब परमेश्वर इस धरती का नाश करने वाले थे तो परमेश्वर ने नूह भविष्यवक्ता को ऐसा बताया कि नूह जहाज में 7-7 पशुओं की जोड़ लेना, जो जोड़े है नर और मादा ऐसे 7-7 लेना, ऐसा यहाँ पर लिखा है। फिर हम पढ़ते हैं उसका वचन 9, और भूमि पर रेंगने वालों में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। जहाज में दो दो गए, उसमें 7-7 नहीं गए जिस तरह से परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। अभी 7-7 या 1-1, दो में से सच क्या? 7 का मतलब होता है बाइबल में संपूर्ण, असंपूर्ण का मतलब होता है कि परमेश्वर सभी को बचाना चाहते थे। परमेश्वर उस वक्त इस धरती का अंत नहीं करना चाहते थे। निनवे के लोगों को बताया गया कि 40 दिन के बाद तुम्हारा नाश हो जाएगा, लेकिन जब उन लोगों ने पश्चाताप किया तो 41वें दिन उनका नाश नहीं हुआ। अगर परमेश्वर सच में चाहते होते तो उनको 40 दिन नहीं देते, खत्म कर देते। उसी तरह से जब नूह 500 साल के थे तब परमेश्वर ने बोला कि तू अपने लिए, अपने परिवार के लिए जहाज बना, और जहाज बनाते वक्त नूह 500 साल के थे और जब जहाज खत्म हुआ तब नूह जो थे वो 600 साल के थे, मतलब 100 साल उनको जहाज बनाने में लगे। तो परमेश्वर ने 100 साल दिए क्यों? जिस तरह से निनवे वाले को 40 दिन दिए थे बचने के लिए, इसी तरह से परमेश्वर यहाँ पर भी पूरी धरती को बचाने के लिए 100 साल देकर रखे थे। और अगर 100 साल में उन लोगों ने पश्चाताप कर लिया होता तो परमेश्वर किसी का नाश नहीं करते। परमेश्वर कभी भी किसी की मौत से वो खुश नहीं होते। तो परमेश्वर ने 7 जोड़े मतलब कि संपूर्ण ही बोला था, लेकिन लोगों ने नहीं माना, पशुओं ने नहीं माना और एक एक ही आए। आज भी इस धरती का अंत हो रहा है, परमेश्वर सभी को बचाना चाहते, लेकिन आज भी परमेश्वर को मानने वाले कितने? बहुत ही कम। आज भी लोग क्रिसमस मनाना, न्यू ईयर मनाना, यही सब उनको अच्छा लगता है। कहाँ आज भी लोग परमेश्वर के पास आते? आज भी लोग परमेश्वर के पास नहीं आते। आज भी स्वर्ग के दरवाजे आप सभी लोगों के लिए खुले, लेकिन जाएंगे कितने? तो दोनों वचन सही है, परमेश्वर ने 7-7 जोड़े बोले थे और आए 1-1, वो भी सही बात है। परमेश्वर सभी को बचाना चाहते लेकिन सभी बच नहीं रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सभी लोग बच जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।